राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राम का राज्याभिषेक भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण ने स्वयं युद्ध की कमान संभाल ली। भीषण युद्ध हुआ, यहां तक कि लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल तक हो गए। उनका उपचार किया गया। तत्पश्चात राम ने विभीषण की सहायता से रावण पर अंतिम प्रहार किया, जिससे रावण मारा गया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, सीता को स्वतंत्र करा लिया गया। पूरे एक वर्ष बाद राम और सीता का मिलन हुआ। अब सुनिए आगे की कहानी। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहां विश्राम कर लें। युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर, आपने ये नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, दो बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हुआ है विभीषण के राज तिलक के समय। राम उस नगरी से दूर ही रहे। ये संभव नहीं है मित्र, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूं। किंतु विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। जो आज्ञा प्रभु। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही।
विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए ये मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वो पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध। किष्किंधा रास्ते में था, वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमूक पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, प्रभु देखो। हाँ। ये गोदावरी नदी है। हाँ। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। हाँ प्रभु, देखो हमारी पर्ण कुटी अब भी बनी हुई है। हाँ प्रभु। हाँ। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हूं। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया।
हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने ये प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि प्रभु, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ये समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभालें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसी आज्ञा प्रभु। हनुमान वायु वेग से चले जैसे उड़ रहे हों। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, नीरज शर्मा और विजय सिन्हा, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।